हेलो एंड वेलकम ऑल, दिस इज लर्निंग लोकस। और आर्टिकल्स के लेक्चर में ये लास्ट लेक्चर पोजीशनिंग ऑफ आर्टिकल्स प्रस्तुत है। इसमें हम सीखते हैं कि आर्टिकल्स का स्थान सेंटेंस में कहाँ कहाँ पर होता है। देखिए, इसका एक रूल है, हुआ है कि नाउन के पहले होता है, इसे बोलेंगे आर्टिकल प्लस नाउन। आप देख भी रहे हैं, साक्षी इज अ गर्ल, यहाँ पे गर्ल एक नाउन है तो इधर और डाल दिया है, आर्टिकल है। राम हैज ऑन एलिफेंट, एलिफेंट एक नाउन है, यहाँ पे है। द सन मूव्स राउंड द गैलेक्सी, यहाँ पे सन गैलेक्सी एक नाउन है, इधर भी है और सन एक नाउन है, इधर भी है। लेकिन आप कहेंगे साक्षी भी एक नाउन है, राम भी एक नाउन है, तो साक्षी और राम दोनों प्रॉपर नाउन है। और ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स में सीखा है कि प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, तो कॉमन नाउन के पहले हमने किया है। और आपने देख लिया कि यहाँ पे पोजिशनिंग जो हुई है आर्टिकल की, नाउन के पहले हुआ है, एक हो गया। सेकेंड रूल की बात करेंगे, सेकेंड रूल को कहेंगे आर्टिकल प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन, अर्थात नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव होगा और फिर उस एडजेक्टिव के अनुसार आर्टिकल का प्रयोग किया जाएगा। जैसे कि मीरा इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, तो गर्ल एक नाउन है और यहाँ पे ब्यूटीफुल एक एडजेक्टिव है, तो यहाँ पर आर्टिकल का प्रयोग हुआ है। ऐसे ही राम हैज ऑन ओल्ड एलिफेंट, एलिफेंट एक नाउन है, ओल्ड एडजेक्टिव है और ओल्ड के अनुसार एन का प्रयोग हुआ है। ऐसे ही सीता इज द बेस्ट गर्ल, सीता एक नाउन है, बेस्ट एडजेक्टिव है, आप जानते हैं गुड का होता है, गुड, बेटर एंड देन बेस्ट, बीएसटी, तो बेस्ट के पहले द लगा हुआ है, तो दूसरा पोजिशनिंग हो गया एडजेक्टिव के पहले। तो पहला हो गया नाउन के पहले, दूसरा हो गया एडजेक्टिव के पहले, एडजेक्टिव होगा नाउन के पहले होगा एडजेक्टिव, फिर इस एडजेक्टिव के पहले होगा। फिर तीसरा रूल, तीसरा रूल कहेंगे आर्टिकल प्लस एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन, मतलब एक नाउन होगा, उस नाउन का एक एडजेक्टिव होगा, उस एडजेक्टिव का एक एडवर्ब होगा और आर्टिकल होगा एडवर्ब के पहले इस एडवर्ब के अनुसार। आप देख सकते हैं एग्जाम्पल में, मीरा इज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, गर्ल एक नाउन है, ब्यूटीफुल एक एडजेक्टिव है और वेरी एक एडवर्ब है और अ का प्रयोग हुआ है वेरी के अनुसार, जो कि एक आर्टिकल है। राम हैज एन एक्सट्रीमली ओल्ड एलिफेंट, एलिफेंट एक नाउन है, ओल्ड एक एडजेक्टिव है, एक्सट्रीमली एक एडवर्ब है और ऑन आर्टिकल हुआ है एक्सट्रीमली के अनुसार। सीता इज अ फेरी टॉल गर्ल, सीता यहाँ पे गर्ल एक नाउन है, टॉल एक एडजेक्टिव है और फेरी एक एडवर्ब है और फेरी के अनुसार ये हुआ है। तो तीसरा रूल हो गया कि एडवर्ब के पहले भी होता है। पहला रूल क्या था कि आर्टिकल नाउन के पहले होता है, दूसरा क्या था आर्टिकल नाउन के पहले एडजेक्टिव होता है और उस एडजेक्टिव के पहले होता है, तीसरा क्या है आर्टिकल नाउन के पहले एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव पहले एडवर्ब होता है और उसके पहले आर्टिकल होता है, यह तीसरा रूल है। फोर्थ रूल देखिए, वर्ड्स देख लीजिए, ऑल, बोथ, डबल, एग्जैक्टली, हाफ, जस्ट, मेनी, क्वाइट, रदर या रेदर, सच, व्हाट एटसेट्रा। आर्टिकल का प्रयोग इन वर्ड्स के बाद करते हैं, इन वर्ड्स के बाद करते हैं। जब सेंटेंस में यूज होते हैं ये वर्ड तो ये किसी नाउन के साथ यूज होते हैं, जैसे कि आप बोलते भी हैं ऑल द बॉयज, हाँ, तो ऑल का प्रयोग हुआ है नाउन के साथ, लेकिन इधर द पहले होना चाहिए था, द ऑल बॉयज होना चाहिए था, किंतु अगर ऑल रहे, बोथ रहे, डबल रहे, एग्जैक्टली रहे, हाफ रहे, जस्ट रहे, मेनी रहे, क्वाइट रहे, रेदर रहे, सच रहे या व्हाट रहे, तो इस स्थिति में
ना इन वर्ड्स के बाद और नाउन के पहले प्रयोग होता है आर्टिकल, द हो चाहे ए हो चाहे एन हो, इन वर्ड्स के बाद ही होता है, ध्यान रखना है आपको। देखिए ऑल द मेन, यहाँ पे भी इधर द आया है ऑल के बाद, एग्जैक्टली द सेम यहाँ पर द आया है, मेनी अ मेन मैन मतलब अनेक लोग यहाँ पे ओ आया है, सच एन आइडिया यहाँ पे सच है और इधर एन आया है, बोथ द स्टूडेंट्स इधर द आया है, हाफ एन आवर यहाँ पे, हाफ एन आवर का मतलब आधा घंटा, सो क्वाइट अ गुड पर्सन, तो क्वाइट के बाद यहाँ पे एडजेक्टिव आया है, फिर नाउन, नाउन के पहले एडजेक्टिव है, मतलब इन वर्ड्स के बाद आना होता है आर्टिकल को, आर्टिकल को, राइट। व्हाट अ फॉली, कैसी मूर्खता, सो यहाँ पे ओ आया है, डबल द अमाउंट यहाँ पे द आया है डबल के बाद, जस्ट अ मोमेंट जस्ट के बाद ओ आया है, रादर अ कोल्ड वेदर यहाँ पे रादर के बाद ओ आया है। तो ये याद रखने पड़ेंगे वर्ड्स आपको, वर्ड्स क्या क्या है, ऑल, बोथ, डबल, एग्जैक्टली, हाफ, जस्ट, मेनी, क्वाइट, रेदर, सच, व्हाट, आर्टिकल इनके जस्ट बाद प्रयोग करते हैं। लास्ट रूल आपके सामने है कि सेंटेंस में होगा हाउ, सो, टू, एज, और जब ये होगा तो इसके बाद एडजेक्टिव होगा, इनमें से कोई एक होंगे और फिर एडजेक्टिव होगा, तो अब आर्टिकल का प्रयोग नाउन के पहले होगा, क्योंकि आपने पढ़ा कि नाउन तो एडजेक्टिव के पहले हो जाता है, लेकिन जब हाउ, सो, टू, एज सेंटेंस में रहे, इनके बाद एडजेक्टिव रहे, तो नाउन आर्टिकल का प्रयोग नाउन के पहले होगा, एडजेक्टिव के पहले या इन वर्ड्स के पहले नहीं होगा। देखिए हाउ ब्यूटिफुल द प्लेस इज, ऐसा आप एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में देख सुनते रहते हैं, यह प्लेस कितना ब्यूटीफुल है, हाउ ब्यूटीफुल द प्लेस इज, यहाँ पे हाउ हो गया एडजेक्टिव हो गया और फिर प्लेस हो गया नाउन और इसके बाद आ गया है द आर्टिकल। ऐसा सेंटेंस बहुत यूज होता है, बाकी सेंटेंस बहुत रेयरली यूज होते हैं। इट इज सो गुड अ चांस, यहाँ पे देखिए सो है उसके बाद एडजेक्टिव है, चांस मतलब अवसर, यह एक नाउन है यहाँ पर आया है। मीरा इज टू प्राउड अ गर्ल टू हेल्प, इधर गर्ल है नाउन, नाउन के पहले आर्टिकल, प्राउड हो गया एडजेक्टिव और टू यहाँ पे देखिए टू है ही। इट वॉज एज टफ अ सिचुएशन एज आई हैव एवर फेस्ड, यहाँ पे सिचुएशन हो गया नाउन, ए हो गया आर्टिकल, टफ हो गया एडजेक्टिव और एज देखिए एज भी है। तो जब हाउ, सो, टू, एज सेंटेंस में रहे, स्ट्रक्चर रहे इनमें से कोई एक प्लस एडजेक्टिव, तब आर्टिकल का प्रयोग नाउन के पहले कर देते हैं। यही पांच पोजीशन है आर्टिकल लिखने के सेंटेंस में। अब आर्टिकल का लेक्चर खत्म होता है, चारों लेक्चर कंप्लीट कर दिया हमने। थैंक यू वेरी मच।